तो दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 10,000 रुपए का डिफरेंस है M34 A34 में। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशंस देखें तो वो दोनों के लगभग सेम देखने को मिलते हैं और केवल एक ही डिफरेंस देखने को मिलता है कि A34 IP67 सर्टिफाइड है, यानी कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस डिवाइस है, जो कि M34 नहीं है। तो क्या वाकई दोनों ही डिवाइसेज एक जैसे हैं और 10,000 रुपये का जो फर्क है वो केवल डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस का ही है? तो जानते हैं इस वीडियो में, फुल कंपैरिजन करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेज के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो A34 में आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, M34 में आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट दोनों ही डिवाइसेज के डिस्प्ले का है 120 हर्ट्ज़ का। अब यहाँ पर मेरे बिना कहे भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि A34 का डिस्प्ले ब्राइटर है M34 से। पहला डिफरेंस तो आपको यही देखने को मिलेगा और ये बेनिफिट भी है A34 का M34 के ऊपर। बाकी का कलर्स का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही डिवाइसेज में आपको काफ़ी अमेजिंग कलर्स देखने को मिलते हैं। रिफ्रेश रेट भी दोनों ही डिवाइसेज की डिस्प्ले का काफ़ी कमाल का है 120 हर्ट्ज़ का। तो केवल एक ही डिफरेंस यहाँ डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, A34 का डिस्प्ले ब्राइटर है। इसके बाद आते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन की तरफ। तो दोनों ही डिवाइसेस बैक पर ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइसेस देखने में काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। कैमरा शेप की बात करें तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, छोटे छोटे कैमरा लेंस दोनों में दिए गए हैं, जो कि ज़्यादातर सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेज में देखने को मिलते हैं। कॉर्नर्स की बात करें तो वहाँ थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, A34 में आपको मेटल कॉर्नर्स दिए गए हैं, वहीं M34 में आपको प्लास्टिक कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा A34 जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ IP67 सर्टिफाइड है, M34 नहीं है। लेकिन M34 में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, जो कि A34 में नहीं मिलेगा। A34 में आप हेडफोन यूज कर सकते हो टाइप सी वाला। इसके अलावा फ्रंट पर दोनों में ही आपको टाइप यू नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि जो मेन डिफरेंस रहेगा वो केवल 3.5mm के हेडफोन जैक का रहेगा, जो कि M34 में आपको देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी में A34 ज़्यादा बेहतर है। UI फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों में ही आपको मिलता है Android 13 का सपोर्ट और दोनों ही Samsung One UI 5.1 पर रन करते हैं। सेम UI आपको देखने को मिलता है, तो लुक एंड फील में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेस पैनल के शॉर्टकट्स भी दोनों के एग्जैक्ट सेम हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे पहला सिक्योरिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि A34 में आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वहीं M34 आता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। इसके अलावा दोनों में ही आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है, सिक्योर फोल्डर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। एडवांस फीचर्स की बात करें तो वो भी दोनों में एग्जैक्ट सेम है, मोशन एंड जेस्चर कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स आपको दोनों में देखने को मिलता है, डुअल मैसेंजर आपको दोनों में देखने को मिलता है। क्योंकि एक्सेस पैनल की बात करें तो यहाँ भी शॉर्टकट सेम ही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नाइट मोड, ब्लू लाइट फिल्टर जैसे फीचर्स आपको क्विक एक्सेस पैनल में देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही डिवाइसेज NFC भी सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ ही दोनों में एज पैनल और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहां कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं कैमरे की। तो दोनों में ही रियर पर मिलता है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा M34 में है 50 मेगापिक्सल का अपर्चर साइज है 1.8, इसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। वही A34 में रेयर पर प्राइमरी कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का अपर्चर साइज सेम F1.8, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। फ्रंट पर दोनों में ही आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, इसके अलावा नाइट मोड, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, सिंगल टेक जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप 60fps पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 30fps पर अल्ट्रा HD तक का। दोनों ही डिवाइसेस OIS भी सपोर्ट करते हैं और अल्ट्रा HD मोड भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कैमरा फीचर्स में भी आप कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ आपको जरूर डिफरेंस देखने को मिलता है। वैसे मैंने इन दोनों का एक अलग से कैमरा कंपैरिजन बनाया है, जहाँ दोनों ही डिवाइसेस के पिक्चर्स को आमने सामने कंपेयर किया है और डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर इन शॉर्ट में बात करूँ तो अपनी अपनी जगह पर दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी A34 ओवरऑल परफॉर्मेंस में M34 से बेहतर है। A34 में आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं पिक्चर्स के अंदर। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वहाँ स्किन टोन भी आपको A34 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है M34 के कंपैरिजन में। लो लाइट फोटोग्राफी में भी A34 बेहतर परफॉर्म करता है। फ्रंट कैमरे में मिली जुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कहीं M34 बेहतर परफॉर्म करता है, कहीं पर A34। हालांकि दोपहर के समय डेलाइट में फोटोज की बात करें तो वहां M34 A34 से बेहतर नजर आया। ओवरऑल दोनों ही काफी ठीक ठाक है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में फिर यही बोलूंगा कि A34 ज्यादा बेहतर है।
हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M34 में आपको मिलता है एक्सिनोस का 1280 प्रोसेसर, वही A34 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 1080 प्रोसेसर। परफॉर्मेंस की बात करें तो अपनी अपनी जगह पर दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं, मतलब डेली टास्क को दोनों ही डिवाइसेस बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बिना किसी इशू के प्ले कर सकते हो। मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस भी दोनों की ही काफ़ी कमाल की है। लेकिन अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो कॉमन यूज में भी A34 M34 से बेहतर रहेगा। इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस भी A34 की M34 से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। ओवरऑल हार्डवेयर के मामले में भी थोड़ा सा A34 बेहतर है M34 से। बैटरी के मामले में M34 A34 को बीट करता है, क्योंकि M34 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, A34 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलता है 25W चार्जिंग का सपोर्ट या फिर कहें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, लेकिन चार्जर आपको बॉक्स के साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो यही था गैलेक्सी M34 5G और गैलेक्सी A34 5G के बीच एक ओवरऑल फुल कंपैरिजन। जब आप 10,000 रुपये A34 में एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो IP67 का सर्टिफिकेशन तो आपको मिलता ही है। इसके अलावा आपको हार्डवेयर भी बेहतर देखने को मिलता है, कैमरे की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव देखने को मिलती है, डिस्प्ले भी आपको बेहतर देखने को मिलता है। ओवरऑल M34 की बात करें तो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कमाल का डिवाइस है, लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।